ये देखिए मेरा देसी जुगाड़, जो मेरी परात है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बारी। ये देखिए बहुत हैवी है, और अभी मैं नई पराते जो है वो निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि कितने बर्तन निकाले हम, है ना। तो मैंने क्या देसी जुगाड़ निकाला, ये कढ़ाई आप देख रहे होगे ना, ये नॉन स्टिक इसका हटने लगा है, तो मैंने कहा इसको गर्म करके इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें आटा बड़ा अच्छा गूंद रहा है यार, तो मैंने इसको आटा गूंदने के लिए रख लिया अभी, क्योंकि कढ़ाई तो ऐसे यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये रहा हमारा इंडियन जुगाड़। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मी स्वाति महेंद्रू, और मेरे चैनल पे मिलेगा बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मेकअप रिलेटेड, हॉल रिलेटेड। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से हम बाहर आए थे और बहुत लेट हो गया है, तो आप देख ही रहे, अंधेरा हो गया, तो हमने सोचा डिनर करके ही चलते हैं। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई इसके बाद। क्या टेस्टी खाना था, क्या टेस्टी लस्सी थी इस ढाबे की, चनकपुरी में ये है, आप लोग भी आ सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं, फ्री होते होते हम आए थे, उजाला था, ऑफिस के बाद डायरेक्टली आए थे। आ गए थे, और आते ही सबसे पहले तो मैंने फेस वॉश किया, ठंडा ठंडा पानी पिया, इतनी गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा थक गए हैं। तो आप लोगों को जैसे बताया कि मैं और हिमांशु एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। बहुत जल्दी आपको आने वाले व्लॉग्स में उसके बारे में पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हैं, उसके अपडेट्स वहाँ अवेलेबल हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी उसके अपडेट्स अवेलेबल हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रोसेस हम बताते जाएंगे। उसी के डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए जाना था, एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लग गए उसमें। ऑफिस के बाद गए हम, भूख लग गई, वहाँ पे बड़ा अच्छा सा कोई हमें प्लेस देखा, चूर चूर नान, मुझे लिटरली चंडीगढ़ की याद आ गई, बहुत। जब हम शिमला से एक दिन के लिए फंस गए थे, और वहाँ मैंने वो इतनी टेस्टी चूर चूर नान खाई थी, और उसके बाद 1 साल बाद अब खाई है। बहुत टेस्टी खाना था, बहुत रीजनेबल था, सबसे बड़ी बात है, और पेट एकदम भर गया। बट गर्मी इतनी हो रही है, थक इतने गए हैं, 9 बज रहे हैं, 9 बज गए मतलब पहुँचते पहुँचते। अब मैं जाती हूँ शहर ले लेती हूँ, थोड़ा बेटर फील होगा, और उसके बाद देखते हैं। फाइनली अभी हम ये शूट कर रहे हैं, काम पूरा नहीं हुआ है, पता नहीं कब व्लॉग में जाएगा ये। तो हमारा जो सरप्राइज है वो है ये। यस, अभी तक आपने आई थिंक टाइटल वगैरह में देख ही लिया होगा, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। हमारा जो क्लिनिक हम दोनों मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये अभी बहुत स्टार्टिंग वाले फेज में है। तो आपकी बहुत सारी बेस्ट विशेस चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल रहेगा, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट आप लोगों का प्यार रहा, ब्लेसिंग्स रही, तो जरूर हम हार्ड वर्क करेंगे। आपको कुछ बोलना है? और फिर इतना थकने के बाद अगले दिन हम आ गए थे डेट पे, हिमांशु ने प्रॉमिस किया था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था अपने लिए, तो चलेंगे पास में ही, चाहे जाएं थोड़ी देर के लिए डेट पे। थैंक यू प्रशंसा सा अनकवर सजेस्ट करने के लिए, बहुत ही अच्छा फूड है, एम्बियंस भी अमेजिंग है। आप लोग जो भी द्वारका के आसपास रहते हैं ज़रूर ज़रूर ट्राई करिएगा, पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरा रह गया है बट मुझे बाद में पता चला कि यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। और खाना सर्विस वगैरह बहुत ही अच्छी थी, बहुत टाइम बाद ऐसे रिलैक्सिंग हमें आधा 1 घंटा मिला, जहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया, सिजलर्स ऑर्डर किए, अच्छे से खाना खाया हमने, और बहुत सारी बातें करी। वैसे तो बातें हम हमेशा ही करते रहते हैं, बट कभी कभी होता है ना, डेली रूटीन से बाहर निकल के आधा घंटा जाने का मन करता है, और मन करता है बहुत सारी बातें करें, बहुत सारी जो फ्यूचर में हमारे आने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे। और ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, हाई फाई टाइप्स की जो फोक और स्पून्स थे वो भी ऐसे पैक करके रखे हुए थे एकदम क्लीनी वे में, तो मुझे लगा कि चलो इसको व्लॉग में लेके आप लोगों को दिखाना चाहिए। और ये आ गए हमारे गरम गरम सिजलर्स, बहुत बहुत टेस्टी थे और बहुत फिलिंग थे, बट इसके बाद डेजर्ट तो बनता है, तो मैंने ले लिया अपना फेवरेट कसाटा। हेलो फ्रेंड्स, तो एक्चुअली संडे है, और कल हम लोग आए बाहर से, परसों भी बहुत लेट आए, कल भी बहुत लेट आए, क्योंकि वॉक वगैरह करने लग गए थे, एंड अनकवर बहुत टाइम से जाना था। प्रशंसा कब से कहती है अच्छा है अच्छा है, और हमारे घर के पास भी है, फिर भी जाने का चांस ही नहीं लग रहा था, बट फिर इतना हार्ड वर्क को सेलिब्रेट करने के लिए इतना तो बनता ही है। तो हम गए, अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे जो आपको एरिया दिख रहा है इसको मैं करने लगी हूँ क्लीन, पूरा काम वाली है उससे पहले, और बाकी सारे एरियाज़ मैंने एक दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं आई और रात के 11 बजे तक मैंने पूरा पूरा क्लीन कर दिया, बस ये एरिया रह गया था। तो इतना छोटू सा ये वाला एरिया मैं क्लीन कर देती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे पास बहुत सारे हैंड बैग्स हैं,
तो मैं उनकी केयर कैसे करती हूँ, कैसे ध्यान रखती हूँ। तो जैसे जो भी हमारे पैकिंग के साथ तो पेपर्स आते हैं ना, ये इस तरह के पेपर्स, या फिर जो मेरे रिटायर्ड टी शर्ट्स वगैरह होते हैं ना जो मुझे फेंकने होते हैं, वो मैं इनमें पूरा भर के रखती हूँ, जिससे कि जो इनकी शेप है वो रिटेन रहे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास इतने सारे बैग्स हैं तो कहाँ उन्हें रखते हो, या फिर उनका कैसे मेंटेनेंस करते हो। सो मेन जो मैं चीज़ रखती हूँ वो ये एक चीज़ ये कि अंदर से इसको स्टफ करके रखती हूँ हमेशा, और बाहर से इनको कोई भी बड़ी थैलियाँ आती हैं जो बड़े पैकेजिंग बैग्स होते हैं, या फिर जैसे ये ऐसे मिंत्रा का मेरे पास एक कूरियर बैग रखा है, इसके अंदर भर के इनको रख देती हूँ मैं। और उसके बाद फिर चाहे आप इसे बेड के अंदर रखिए, चाहे कबर्ड के अंदर रखिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अंदर से भी पूरा भरा हुआ है और बाहर से भी पूरा कवर है। अभी के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन। ये वाली जो मेरी दोनों चुन्नियाँ हैं रिटायर हो गई हैं, फट चुकी हैं पूरी, तो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, और अभी घर में भी किसी और काम की यूज़ नहीं आनी है। वैसे कॉटन की है तो आप इसको डस्टिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे यूज़ हैं, बट अभी सब है तो मैं इसको इसके अंदर फिल करके रख लेती हूँ। दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, अब इसको मैं कहीं भी रखूं ना इसकी शेप ख़राब होगी और ना ही इसकी स्किन पील करेगी। मैं इवन चाहूं तो इसको बेड के अंदर भी रख सकती हूँ। एरिया मैंने थोड़ा सा समेट दिया है। ये मेरा शू बैग है, ये मेरे ऑफिस बैग्स हैं, वो वाले बैग्स मैंने कवर करके रख दिए, बाकी बेड में हैं। और एक्चुअली ये जो एरिया है ना, सिर्फ मेरे दुपट्टों का है। ये देखिए, मेरे पास इतने सारे दुपट्टे हैं, समझ नहीं आता क्या करना है। ये मुझे सताक्षी माधव, जो मेरे नेफ्यू और नीस है, उन्होंने गिफ्ट किया था बहुत पहले। ये सब मेरी शादी की फ़ोटोज़ हैं। ये मेरी, ये कार्तिक की, मैं और हिमांशु, और ये मेरे डेली वाले बैंगल्स हैं जो मैं ऐसे बस रख देती हूँ। और ये परफ्यूम वगैरह है, डेली वाले मेरे इयररिंग्स। सबको लगता है कि कैसे टाइम मिलता है चेंज करने का, ऐसे टाइम मिलता है मुझे चेंज करने का इयररिंग्स डेली। और ऑलमोस्ट सिमट गया है, तो मानने वाली है जब घर सिमट जाता है तो बहुत बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है, इट्स लाइक अ थेरेपी। हम खाने वाले हैं मेरा फेवरेट नाश्ता, फ्रेंच टोस्ट, पूरे प्रिपेयर हो गया है और मैं बना रही हूँ। ये देखिए हमारा, मैंने बैटर बना के रखा हुआ है फ्रेंच टोस्ट का, एंड ये ऑलमोस्ट रेडी है। चाय हिमांशु ने बना दी है, बड़ी टेस्टी सी, मेरे हाथ से चाय नहीं बन पाती पता नहीं क्यों। और ये टेस्टी सा फ्रेंच टोस्ट बन गया है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो अब और ज़्यादा वेट नहीं करते, फटाफट से खा लेती हूँ, बहुत एक्सट्रीम वाली भूख लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो कल का दिन ऐसे ही बस घर आ गए थे हम और थक गए थे, सो गए, और अब मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सो विश मी लक, आपको रास्ते में मिलते हैं। और ये देखिए क्या हुआ, वैसे तो जनकपुरी और उत्तम नगर के बीच में ट्रैफिक मिलता ही है, बट मेरे को और ज़्यादा फंसना था आज ट्रैफिक में। एक डीटीसी बस टेढ़ी होके ख़राब हो गई है, जिस वजह से ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा था, और मुझे ऑटो छोड़ के अपना जो मैंने उबर से किया हुआ था, मुझे मेट्रो से आना पड़ा। फाइनली चलते हैं। सो ऑब्वियसली बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं पहुँची, एंड अब आप देख रही हो जैसे घर वापस आ गई हूँ मैं। मीटिंग बहुत सक्सेसफुल अच्छी रही मीटिंग, एंड होपफुली काम सारा टाइम पे स्टार्ट हो जाए, सब ठीक से हो जाए। गर्मी बहुत है बाहर, बहुत ही वियर्ड सा वेदर है। बाकी अपडेट आपको मैं देती ही रहूँगी अबाउट द न्यू वेंचर एज वेल। लाइफ के बारे में अपडेट्स तो मैं आपको यहाँ ब्लॉगिंग में देती ही रहती हूँ। इसी से मुझे याद है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अब फटाफट चेंज करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। पूरा दिन निकल गया आज इस चक्कर में, बट काम काम है, संडे हो या मंडे रोज करो काम। हे पीपल, तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ गायब हो गई सडनली। तो आने के बाद भी मेरी एक और मीटिंग थी ऑनलाइन, मैंने कर ली वो मीटिंग। उसके बाद प्रिंटिंग का बहुत सारा काम था, तो मैं और हिमांशु बैठ के वो प्रिंटिंग का फाइनलाइज कर रहे थे सारा, सब जो भी मतलब बनना है डिजिटल का काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और काम, खाना वाना, मतलब डिनर विनर बनाया, वो खाया। अब रात हो गई है थोड़ी सी, रात इन द सेंस
10 बज गए हैं एंड क्योंकि डिनर बहुत जल्दी कर लिया था हम लोगों ने 5:30-6 बजे के करीब, तो थोड़ी सी भूख लग गई है तो मैं बना रही हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी। तो मैंने सोचा ज़रूर आप लोगों को बता दूँ, पर नहीं नो आप लोगों ने कहाँ गया बोगे, कहाँ गया बोगे, काम कर रही थी, बहुत सारा काम है। बट आज ना मतलब बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस दिन आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं ना तो लगता है चलो संडे ठीक से निकल गया, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था संडे को मैं फ्री ही नहीं हो रही थी, कभी कहीं जाना था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। तो आज जो घर के भी काम मैंने सोचे हुए थे ना कि आज संडे को, इस वाले संडे को निपटाने हैं, वो भी ख़त्म हो गए। 2-3 क्लीनिंग का था और 2-3 जगह मतलब अरेंज वगैरह करनी थी चीज़ें, वो हो गई मेरी। और जो मैंने ये भी जो भी हमारा काम चल रहा है उसका जितने भी पेंडिंग काम थे जो मैंने आज के लिए सोचे थे ड्यू थे, वो आज पूरे सारे टिक मार्क्स हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ थोड़े काम तो मैंने एक्स्ट्रा भी कर दिए जो आज ही आज मैंने ख़त्म करे थे, बट आई एम सो हैप्पी। अब 1-2 दिन काम अब अपने आप होते रहेंगे, लाइक मैंने स्टार्ट कर दिया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर नहीं है, वो दूसरी साइड से आने हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा आई एम श्योर, कि जब काम आपके टाइम टू टाइम आप करते जाओ ना तो बड़ा ही रिलैक्स लगता है, तो वही कंडीशन अभी मुझे लग रही है। अभी मैं कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ हिमांशु के साथ और आपको मिलती हूँ होपफुली कल, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली इतना बिजी चल रहा था ना शेड्यूल, में बार बार ब्लॉग एंड करना ही भूल जा रही हूँ, अगला दिन हो गया है, मैं जस्ट ऑफिस टाइम अब जा रही हूँ डिनर बनाने फटाफट, तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग एंड कर देती हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप भी एक्साइटेड हैं कि क्या होने वाला है ऐसा कुछ नया, तो मेरे न्यू इंस्टाग्राम पेज पे वो हमने इन्फॉर्मेशन बता दी है, और जो हमारा दूसरा प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल है उस पर भी कुछ कुछ हमने बता दिया है, तो आप वहाँ पर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है क्या है चैनल का नाम चैनल का नाम है संभव क्लिनिक्स बाय स्वाति महेंद्रु, और भी बहुत कुछ इसके बारे में पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम आपको। यस, संभव क्लिनिक्स बाय स्वाति महेंद्रु, ये नया वेंचर है हमारा, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको उसी की प्रॉपर वीडियो के अंदर बताऊंगी, बिकॉज अभी भी टाइम है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे काम पेंडिंग हैं उसी में लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए इस चैनल, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।